रहे हैं। आज हमारे अनोखा किचन में बन रहा है मटन करी, सोना मोटा मटन करी बनाने जा रही हूँ। चलिए आप भी हमारे किचन में देखिए कैसे बनाती हूँ। यूपी बिहार का बहुत फेमस है मटन करी, फटाफट से बन के रेडी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने 1 किलो मटन अच्छे से धो के साफ करके ले ली हूँ। इसमें 500 ग्राम प्याज काटी हूँ, 15-20 कली लहसुन का ली हूँ, 4-5 मिर्ची ली हूँ, तीखी वाली सूखी मिर्च है, इसे 2 टुकड़ा करके डालूँगी। इसमें हम लहसुन मिर्च कुछ भी पीस कर नहीं डालेंगे, खड़ा खड़ा ही डालेंगे। देखिए मिर्च तोड़ के हमारा हो गया है। तीखा आप अपने अनुसार से कम बेसी कर सकते हैं। इसी में डाल दूंगी खड़ा खड़ा लहसुन, प्याज भी डाल दूंगी जो काट के रखी हूँ मैंने। अब इसमें कुछ मसाले मिलाऊंगी। हाँ, 3 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिए, नॉर्मल चम्मच से मैं मसाला यूज कर रही हूँ, छोटा चम्मच है। 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी पाउडर, थोड़ा हल्दी ली हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। फटाफट से बन के रेडी हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनता है। दो चम्मच डालूंगी इसमें गरम मसाला, घर का बनाया हुआ गरम मसाला है, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं जाएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अब इसको अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। बहुत फेमस है इसे यूपी बिहार में, सोना मोना मटन कड़ी बोलते हैं। बस मिला उला के रख दीजिए धीमी गैस करके, बस बनते रहेगा ये। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें पानी उनी नहीं डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा और प्याज बढ़ा सकती है, फैमिली के अनुसार से ग्रेवी बढ़ा सकती है, थोड़ा कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। अब अपने फैमिली के हिसाब से 500 ग्राम प्याज डाले हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, गैस पर रख दिए हैं 1 टपला गर्म होने के लिए। आप चाहें तो तेल थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, कम तेल में भी अच्छा बनता है। 2-3 तेज पत्ता डाल दे रहे हैं, थोड़ा हींग डाल दे रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं कि बर्तन छोटा है, बर्तन बड़ा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ज़्यादा भीगने उगने की जरूरत नहीं है, बस डाल के धीरे से चला के इसको धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। मटन पे भी डिपेंड करता है कि कितना बकरा छोटा बड़ा था, तो टाइम लेता है ये गलने के लिए। छोटा बकरा रहता है तो ये 1.5 घंटा 1 घंटे में गल जाता है। 1 घंटा तो चाहिए ही मटन गलने के लिए, धीमे आंच पे गल जाएगा 1 घंटे में आराम से। आप मटन रख दीजिए बनाने के लिए, तब तक आप अपना कोई भी काम करते रहिए, धीरे धीरे बनते रहेगा। देखिए गैस कम करते हैं धीमा, इसको ढक के छोड़ देते हैं। अब बीच बीच में इसके 2-3 बार चलाते रहेंगे। देखिए हमने 2-3 बार चलाए थे, देखिए अच्छी तरह से मटन हमारा आधा मटन हो चुका है। प्याज भी देखिए कितने अच्छा से गल गया है। इसको ढक दूंगी, थोड़ा सा पानी इसी पर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। पानी मैंने डालूंगी मटन में ही। चलिए एक बार और चला कर देखती हूँ, पानी गर्म किया तो इसे डाल देती हूँ।
इसको अच्छी तरह से चला लेती हूँ। लग रहा है थोड़ा पानी और चाहिए इसमें, मैं अलग से गर्म करके पानी थोड़ा और मिलाऊंगी इसमें। देखिए प्याज आज बहुत अच्छे से गल गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आप सब तक हमारी रेसिपी पहुंचती रहे। देखिए गर्म पानी थोड़ा मिला दे रहे हैं और देखिए अभी से 4-5 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे ही इसको पकाऊंगी। पानी डाली हूँ थोड़ा पक जाए। ऐसे मटन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, देखिए बस 4-5 मिनट थोड़ा पकाऊंगी बस। देखिए देख लेते एक बार और चलाकर, देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी से गाढ़ी हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं। देखिए हमारा मटन कढ़ी बिल्कुल तैयार है बनकर। चलिए सर्व कर लेते हैं। आप सब भी बनाइए खाइए, कमेंट कीजिए कि हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड।